नमस्कार। भारत में उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून बीती 20 जुलाई 2020 को लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून है। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा और अब भारतीय उपभोक्ता पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार पहले से अधिक बढ़ गए हैं। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। सबसे पहले जानते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता की क्या परिभाषा है। अधिनियम के अनुसार हर उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या व्यापारिक उद्देश्य के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है। यह परिभाषा सभी प्रकार के लेन देन को कवर करती है, चाहे वे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। नए कानून के प्रावधानों के तहत अब उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। पिछले कुछ सालों में नए बिजनेस मॉडल्स आ गए और उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 20 जुलाई 2020 से लागू नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं की बात करें तो नए कानून में उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन किया गया है। मामले के पक्षकार आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे, वहाँ समझौता कर सकेंगे। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर आयोग में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से संबंधित मामले लाए जा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग यानी नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडेशन कमीशन के अधिकार क्षेत्र को भी तय किया है। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग 100 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुनेगा, जबकि राज्य विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है। जिला विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी या सेवा में कमी या वस्तु में गड़बड़ी आदि की है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रमित करने वाले
विज्ञापनों और ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर भी शिकंजा कसा गया है, ताकि उपभोक्ताओं के साथ धोखा ना हो। उत्पाद संबंधी किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने पर भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA कंपनी पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। गंभीर मामलों में ये जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। किसी प्रोडक्ट आदि का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यदि विज्ञापन किसी भी रूप में भ्रामक है और उपभोक्ताओं की शिकायत आई और आई हुई शिकायत सही पाई जाती है, तो भ्रामक विज्ञापन से जुड़े सेलिब्रिटी पर भी भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए भ्रामक विज्ञापन किए जाते हैं, तो कंपनी के साथ साथ प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अब बड़े बड़े क्रिकेट स्टार हो या फिल्मी हस्तियां या कोई अन्य कलाकार या कोई और सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, तो उन्हें अब पहले से ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। विज्ञापन का प्रचार करने से पहले सेलिब्रिटी का दायित्व बनता है कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की जांच कर ले। नए कानून में उत्पाद से संबंधित कोई भी गलत जानकारी उस विज्ञापन को करने वाले सेलिब्रिटी को मुश्किल में डाल देगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास अब यह अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता या दोहराती है, तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। विज्ञापनों की प्रमाणिकता की जांच करने वाली संस्था ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का स्वागत किया है। ASCI ने उम्मीद जताई है कि इस नए अधिनियम से भ्रामक विज्ञापनों में कमी आएगी, जो कि उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नए नियमों के तहत एक बड़ी राहत की बात यह है कि ग्राहक अब वहां से भी शिकायत दाखिल कर सकेगा जहां पर वह रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा जहां से उसने कोई सामान खरीदा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप जयपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली में सामान खरीदते हैं। जयपुर के बाद आप चंडीगढ़ चले जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसमें खराबी है, तो आप चंडीगढ़ में ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी। आपने जहाँ से सामान खरीदा है वहीं पर जाकर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। इस एक्ट के तहत ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग से नुकसान से बचाया जाएगा। ग्राहक को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत आदि के बारे में सही जानकारी दी जाए। ग्राहक को अपने अनुकूल गुड्स या सर्विस को छांटने का अधिकार है। ग्राहक को सुने जाने का पूरा अधिकार है। उसे किसी तरह की दिक्कत होने पर आयोग में उसकी शिकायत को सुना जाएगा। किसी भी गलत व्यापार प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का भी
ग्राहक को अधिकार है ताकि उसका शोषण ना हो। इस तरह अब ग्राहक पहले से अधिक मजबूत हो गया है और इस एक्ट के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करके वह बाजार के शोषण से बच सकता है। धन्यवाद।